यस मैम। ये कार्टेज केस है और दिस इज द वर्नियर कैलिपर। हमें इसका इंटरनल डायमीटर कैलकुलेट करना है, तो हम इसको वर्नियर कैलिपर पे फिक्स करेंगे। तो इसको मूव करना है यहाँ से, और जहां पर फिक्स हो जाए वहां पर हम इसको स्टॉप कर देंगे। ऑलराइट, तो इसके पहले इंटरनल डायमीटर को लेने से पहले हम इसका लीस्ट काउंट कैलकुलेट करते हैं। लीस्ट काउंट मैं आपको बता, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर जब हमें इंटरनल डायमीटर कैलकुलेट करना है तो दो स्केल्स पर करते हैं उसको। एक तो है मेन स्केल रीडिंग, जो नीचे वाली स्केल है दैट इज अ मेन स्केल, और जो ये मूव कर रही है दैट इज वर्नियर स्केल। ठीक है, और हमने इसको फिक्स किया है, अब इसकी बाकी रोटेट नहीं करना है, यहीं तक ही लेना है इसको। अब हमें ये देखना है कि वर्नियर स्केल की कौन सी रीडिंग मेन स्केल से कोइंसाइड कर रही है। तो इस तरीके का टेबल बनाना है। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि मेन स्केल रीडिंग जो है, यहाँ पर हमको स्केल पे देखना है कि नीचे कौन सी रीडिंग है। तो सबसे पहले आई है 2.4। वर्नियर स्केल पे टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स जो है 10, तो वर्नियर स्केल पे हमें 4 रीडिंग मिली थी फर्स्ट वाले केस में। फिर वर्नियर कैलिपर इन वर्नियर स्केल की जो रीडिंग है इनटू लीस्ट काउंट, अपने पास जो वर्नियर कैलिपर है उसमें हर किसी का लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है, तो हम इसको 0.01 से ही हमें इसको सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो मेन स्केल रीडिंग है ये भी सेंटीमीटर में ही है। ओके, यहाँ पर वर्नियर स्केल की रीडिंग 4 है, फिर 4 × 0.01। ये A माना है, ये B और ये C, तो हमें इसमें A मेन स्केल रीडिंग और जो C है वर्नियर स्केल लीस्ट काउंट इसको कैलकुलेट करना है, मतलब प्लस करना है। तो इसकी जो रीडिंग आ रही है दैट इज 2.4। ओके, इसी तरीके से हम 3 टाइम्स जो कार्टेज केस है इसको थोड़ा सा फिक्स अलग अलग तरीके से फिक्स करके इसकी जब रीडिंग कैलकुलेट करेंगे तो उसमें आ जाएगा 1 + 2 + 3 / 3। तो इसमें जो रीडिंग आएगी वो हमारा मेन निकल जाएगा, वो होगा हमारा इंटरनल डायमीटर ऑफ द कार्टेज केस। आगे समझ में क्लियर? और इसी तरीके से हम इसका एक्सटर्नल डायमीटर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सटर्नल डायमीटर को आप नीचे से कर सकते हो, इंटरनल डायमीटर को हमने यहाँ से दिया।